भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज झरिया में संकल्प यात्रा लेकर निकले और आपको बता दें कि इस संकल्प यात्रा में हजारों हजार की संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो शामिल हुए, आम पब्लिक से वो रूबरू हुए हैं। इस वक्त आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगी, RSP मैदान है और यहीं पर ये कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। बहुत ही भव्य तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है। धनबाद के सांसद PN सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह रही, चंद्रशेखर सिंह रहे और साथ ही साथ हजारों सैकड़ों की संख्या में जो है वो कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक बार हम आपको कैमरे के माध्यम से यहाँ का नजारा दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कितनी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जितने भी जो कार्यकर्ता उनके अंदर एक अलग से जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए हम बातचीत करते हैं बाबूलाल मरांडी जी से, जानना चाहेंगे सर की चुनाव की रणनीति क्या है और संकल्प यात्रा के पीछे की वजह क्या है। तो अभी देर है, संकल्प यात्रा तो यह है कि झारखंड से जो भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि अपराध बढ़ गया है तो अपराध मुक्त झारखंड बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनाना है और विकास युक्त झारखंड में। आपकी संकल्प यात्रा में खास करके आज जब झरिया है, कल निरसा में थे, अभी धनबाद जा रहे, क्या लगता है कितना असर देखने को मिलेगा? अब ये तो आप सब लोग देख लीजिए, उसका आकलन कर लीजिए, बाकी सब काम हम थोड़े करेंगे, बाकी आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। बाबूलाल मरांडी जी से तो उन्होंने भी यही कहा कि असर दिख रहा है और जिस प्रकार से भीड़ हुई इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में कितनी ज़्यादा है और इसका असर चुनाव पर देखने को मिलेगा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव अभी दूर है, लेकिन फिलहाल जो आम पब्लिक की जो समस्या है, संकल्प यात्रा के माध्यम से उन लोगों से रूबरू होना है और उसका निदान करना ही इन लोगों की ओर से संकल्प लिया गया है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस संकल्प यात्रा का कितना ज़्यादा असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने 2024 चुनाव को लेकर अपनी कमर कस और लगातार इस तरह से कार्यक्रम है जो आयोजन है वो कराए जा रहे हैं। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।